रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। ये पूछा गया है कि इफ ए इक्वल्स टू, तो आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास अगर ए ये है तो आपने 1 अपॉन ए निकालना है, जो कि इक्वल किसके होगा, ये ए है तो 1 अपॉन में ले आओ उसको, तो ये 1 अपॉन में हो जाएगा। रेशनलाइज करेंगे इसको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, वैल्यू सेम होंगी मगर सिर्फ साइन ऑपोजिट कर दोगे। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 9 1 होता है, 1 लिखने की कोई नीड नहीं है नीचे। ये हो गया आपका रेशनलाइज, 1 अपॉन ए की वैल्यू आ गई है। हमने अब निकालना है ए प्लस 1 अपॉन ए, तो ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है अंडर रूट 10 प्लस 3। प्लस लगाएंगे फॉर्मूले का, 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और अंडर रूट 10 कॉमन आ जाएगा। हमारे पास आ गई है ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है ए माइनस 1 अपॉन ए। ए की वैल्यू है 10 प्लस 3 माइनस, और 1 अपॉन ए की वैल्यू है 10 माइनस 3। मैंने ऐसे लिखा है पर मगर ये गलत हो जाएगा। जब जब साइन माइनस की होती है तो ब्रैकेट लगाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वो माइनस मल्टीप्लाई होगा दूसरी टर्म से। माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ प्लस 10 है या माइनस 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3 हो जाएगा 6। ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमने निकालना है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला बन रहा है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ये बन रहा है फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूले से खोलेंगे इसको, तो ये आएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2 अंडर रूट 10, और ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू है 6। सो गाइस, 2 6 12 अंडर रूट 10, ये आपका आ गया आंसर, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यानी कि ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आई ये, माइनस की आई ये, और स्क्वायरिंग की आई ये। यह है कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चन।